स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। मैं आपको आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और वो कंपोनेंट कितने का आता है ये सभी मैं आपको बताऊंगा। ये सभी सकते हैं कि पैक का पैक है, मैं आपके सामने ओपन करूंगा और एक एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट कितने का है और क्या है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्रेड बोर्ड है, ये ब्रेड बोर्ड नंबर GL नंबर 12। इसमें देखें आप, ओपन करते हैं इसको हम, देखिए कुछ ये इस टाइप का है। ये मुझे मार्केट से ऑफलाइन 65 रुपीस का मिला है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCDEFG करके नंबर J तक नंबर दिया हुआ है और कुछ नंबर यहाँ से 1 से लेके 60 तक यहाँ पर दिया हुआ है। हमें इसमें कंपोनेंट वर्टिकली लगाने रहते हैं क्योंकि इसमें वर्टिकली इंटरनल कनेक्शन होते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट लगा कर कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये 65 रुपीज़ का ऑफलाइन आया है। यहाँ पे देखिए ये LEDs हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, चार कलर की LED हैं। ये 1 रुपये की एक आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जनरल पर्पस यूज LED है तो ये मार्केट ऑफलाइन आपको 1 रुपये की एक पड़ी है, तो मैं इनको 40 पीस लेके आया हूँ। मैं इसमें वाइट कलर की भी LED लाया हूँ जो 1 रुपये की एक है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको एक एक करके ओपन करेंगे। ये ट्रांजिस्टर हैं BC547, ये मुझे 1 रुपये का एक पड़ा है। बैटरी कनेक्टर है, ये 5 रुपये का एक आता है। और यहाँ पे ये 4 पिन IC का बेस है, 4 पिन, ताकि आप IC को इस पे लगा सकें, आप IC को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये बेस सिर्फ 1 रुपये का एक आता है, अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी IC बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरा बेस है 16 पिन का, ये 2 रुपये का एक आया हुआ है। ये भी IC को, 16 पिन की IC को इस बेस पे माउंट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको IC निकालनी है तो आप IC को सेफली निकाल सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 16 पिन की IC है, CD4017। ये IC मुझे 25 रुपये की एक पड़ी है, ये 25 रुपये की IC है, ये देख सकते हैं। ये LED को फ्लैश करने के लिए यूज की जाती है ये वाली IC। इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो आप और इससे LED ब्लिंक करा सकते हो, LED को ग्लो करा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको साइड में रखते हैं और कुछ नया ओपन करते हैं हम। दूसरा देखते हैं हमारे दूसरे पैकेट में कौन कौन से कंपोनेंट है। एक ये पैकेट है, इसमें दिख रहा है मुझे डायोड्स दिख रहे हैं, कुछ IR सेंसर दिख रहे हैं, माइक दिख रहा है। ये हमारा डायोड है 4007, ये डायोड मुझे 1 रुपये का 2 मिला है, ऑफलाइन लिया है ये सब मैंने। ये डायोड 1 रुपये का 2 आया है। और 4148, ये जो डायोड आप देख रहे हैं 4148, ये डायोड भी मुझे 1 रुपये का 2 मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटिव माइक है, ये 10 रुपये का 1 आया हुआ है। DC 5 वोल्ट रिले है, इससे यहाँ पे कॉइल की सप्लाई, इनपुट सप्लाई, इसको 5 वोल्ट देते हैं और तो रिले ऑपरेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 पिन दी हुई हैं, नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज की आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस साइड हाई वोल्टेज और करंट का अप्लायंस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बल्ब, फैन। तो ये जो रिले है मुझे 25 रुपये का मिला हुआ है, तो ये मैं इधर रखता हूँ। नाउ ये 3.5 mm फीमेल जैक है, ये फीमेल जैक मुझे 10 रुपये का 1 मिला है मार्केट से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेंसर हैं, ये जो सेंसर हैं ये पेयर में आते हैं, आप देखिए ये मुझे पेयर्स में मिले हैं, 10 रुपये का एक पेयर है। इनकी पेयरिंग इस तरीके की होती है, जो ब्लैक, जो ये दोनों दिख रहे हैं, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, ब्लैक वाला रिसीवर है, ये वाला ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये मुझे 10 रुपये का एक है, मीन्स 5 रुपये का एक पड़ा हुआ है, पेयर में 10 रुपये का है। यहाँ पे
एक तीन आईसी है मेरे पास, ये 555 टाइमर आईसी है, ये 10 रुपये की एक आईसी पड़ी हुई है मुझे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ये एक पोर्ट है जो कि रजिस्टर होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। इसका यूज़ आप वेरिएबल रजिस्टर की तरह सर्किट में यूज़ करते हैं, इससे करंट कंट्रोल होता है और आप वोल्टेज डिवाइडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल मिल जाएगा आपको इससे। ये मुझे मार्केट से 15 रुपये का एक पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईसी है, मैंने बेस पे माउंट कर दी ताकि इसकी लीड डैमेज ना हो, अगर बेस की लीड डैमेज होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 4 पिन का बेस जैसे आपको बताया था 1 रुपये का एक है, लेकिन मेरी जो आईसी है वो 10 रुपये की एक है। मैं इस आईसी को रीयूज भी कर सकता हूँ बेस से निकाल के। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ये एक कैपेसिटर मुझे 7 रुपये का मिला है मार्केट में, देख सकते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये मुझे मार्केट से 8 रुपये का आया हुआ है ये वाला। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर है। यहाँ पर आपको मैं इसकी रेटिंग दिखाता हूँ, ये 8 ओम का है, 0.25 वाट का है, क्वार्टर वाट का बोल सकते हैं आप इसको। ये स्पीकर मुझे मार्केट से 25 रुपये का मिला है। ठीक है, यहाँ पे एक ये रिबन केबल है, इसको आप रेम्बो रिबन केबल भी बोल सकते हैं, मार्केट में इसी नाम से आती है। ये 20 रुपये की 1 मीटर रिबन केबल है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास एक कंप्लीट रजिस्टर का सेट है, ये मुझे 35 रुपये का मिला है मार्केट से। इसमें 150 रजिस्टर हैं जो कि क्वार्टर वाट के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ओम से लेके 470 किलो ओम तक के रजिस्टर हैं। इसमें एक पैकेट में 4 रजिस्टर हैं, जैसे 10 10 ओम के 4 रजिस्टर आपको मिलेंगे। आपको बता दूं, 1 रुपये का 4 रजिस्टर आता है, मीन्स 25 पैसे का एक रजिस्टर आता है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैसा सेट बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये देखिए एक छोटे पैकेट में, जैसे ये 330 किलो ओम के रजिस्टर हैं, इसमें 5 हैं एक पैकेट में। ये देखिए देखिए ये 47 ओम का रजिस्टर है, इस पैकेट में भी 5 रजिस्टर हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, 3.3 किलो ओम, इसमें भी 5 रजिस्टर हैं। जैसे कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें, उस हिसाब से इसमें रजिस्टर हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये 25 पैसे का एक रजिस्टर आता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक कंपोनेंट के बारे में और ये कितने का आता है मार्केट में, आप ये देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स को। अगर आपको इसके डिटेल वीडियो देखना है तो मैं इसका जल्द ही सभी कंपोनेंट के वीडियोस बनाऊंगा और सभी के बारे में डिटेल बताऊंगा कि ये कंपोनेंट कैसा होता है, इसका सिंबल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये मैं आपको जल्द ही वीडियो में दिखाऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।